दोस्तों क्या आप लोग भी Xiaomi के तीन पॉपुलर स्मार्टफोन Redmi Note 4, Redmi 5 और Redmi Note 5 के बीच में कंफ्यूज है कि कौन सा फोन बेहतर है और कौन सा फोन लेना सही है? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन तीनों फोन के बीच में एक साथ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा जो भी इनके स्पेसिफिकेशन है, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा फोन बेहतर है और कौन सा लेना आप लोगों के लिए सही होगा। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सरू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी कैन चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में एक साथ डिस्प्ले कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कैमरा कंपैरिजन और फिर लास्ट में करेंगे प्रोसेसर और जो भी इसका स्टोरेज है और जो भी प्राइस है उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, जिसके बाद सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा भैया कौन सा फोन बेहतर है। साथ ही लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि कौन सा फोन लेना बेहतर होगा। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो तीनों फोन के अंदर Redmi Note 4, Redmi 5 और Redmi Note 5 के अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। तो अगर हम बात करें Note 4 की तो यहाँ पर आपको मिलता है 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले 16:9 रेशो के साथ। वहीं पर अगर हम बात करें Redmi 5 की तो Redmi 5 के अंदर आपको मिलता है 5.7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले 18:9 रेशो का। तो यहाँ पर Redmi 5 में आपको फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम बात करें Note 5 की तो यहाँ पर आपको मिलता है 5.99 इंच का फुल HD डिस्प्ले 18:9 रेशो के साथ। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर Note 4 और Note 5 का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम यहाँ पे बेजल की बात करें तो यहाँ पर आपको Redmi 5 और Note 5 के अंदर काफ़ी कम बेजल्स देखने को मिलता है, जबकि आपको Note 4 के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेजल्स देखने को मिलता है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर Note 5 के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिलता है, साथ में आपको काफ़ी कम बेजल्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अगर हम तीनों फ़ोन के बीच में कैमरा कंपैरिजन करें तो Redmi Note 4 के अंदर आपको फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का मिलता है 2.0 अपर्चर के साथ। वहीं पर अगर हम बैक कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ डुअल LED फ्लैश के साथ। वहीं पर अगर हम बात करें Redmi 5 के अंदर तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का LED फ्लैश के साथ और बैक कैमरा मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ, साथ में आपको मिलता है LED फ्लैश। इसके अलावा अगर हम बात करें Redmi Note 5 के अंदर तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का LED फ्लैश के साथ, वहीं पर बैक कैमरा मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर के साथ, जिसमें आपको डुअल LED फ्लैश मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको अंधेरे में सेल्फी लेना पसंद है तो आप Redmi 5 या फिर Redmi Note 5 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट कैमरे में सेल्फी फ्लैश कैमरा भी मिलता है जिसकी मदद से आप अंधेरे में भी फोटोज़ ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इन तीनों फ़ोन के प्रोसेसर और स्टोरेज की तो Redmi Note 4 में आपको मिलता है Snapdragon 625 का ऑक्टा कोर 2.0 GHz का प्रोसेसर और Redmi 5 के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 450 ऑक्टा कोर 1.8 GHz का प्रोसेसर, जो कि Redmi Note 4 से कम है। यहीं पर अगर हम बात करें Note 5 की तो आपको इसमें मिलता है Snapdragon का 625 ऑक्टा कोर 2.0 GHz प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा है। Redmi Note 4 आपको 64GB और 4GB रैम के साथ 10,999 रुपये में मिलेगा। वहीं पर इसका जो दूसरा वेरिएंट है 32GB 3GB रैम के साथ, वो आपको मिलेगा 8,999 रुपये में। वहीं पर अगर हम बात करें Redmi 5 की तो Redmi 5 का 64GB 4GB रैम वाला वेरिएंट आपको 10,999 रुपये में मिलेगा और 32GB और 3GB रैम वाला आपको 8,999 रुपये में मिलेगा। इसी के साथ इसका एक तीसरा वेरिएंट भी है 16GB का 2GB रैम के साथ, जो आपको 7,999 रुपये में मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें Redmi Note 5 के तो Redmi Note 5 का 64GB और 4GB रैम वाला वेरिएंट आपको 11,999 रुपये यानी 12,000 के आसपास मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें 32GB और 3GB रैम वाले वेरिएंट की तो ये आपको 9,999 रुपये में मिलेगा। Redmi Note 4 के अंदर आपको मिलेगा Android 6, जिसे आप अपग्रेड करके 7.1 में अपग्रेड कर सकते हो। और अगर बात करें इसके बैटरी की तो आपको इसमें 4100mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं पर अगर हम बात करें Redmi 5 की तो आपको इसमें मिलता है Android 7.1, साथ में आपको मिलता है 3300mAh की बैटरी, जो कि Note 4 से काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें Redmi Note 5 की तो आपको इसमें मिलता है Android 7.1,
जिसमें आपको साथ में मिलता है बैटरी 4000 mAh की, जो कि काफी अच्छा है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोसेसर और स्टोरेज से कंपेयर करें तो यहाँ पर Redmi Note 5 काफी अच्छा है, यहाँ पर Redmi 5 काफी बेकार है इन तीनों फोन के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अगर हम प्रोसेसर कंपेयर करें तीनों फोन के बीच में, तो Redmi Note 4 और Redmi Note 5 के अंदर काफी अच्छा प्रोसेसर है Snapdragon का 625। तो वहीं पर अगर हम बात करें Redmi 5 के, तो Redmi 5 के अंदर आपको मिलता है Snapdragon का 450 प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा Snapdragon का 625 प्रोसेसर है। तो कहीं ना कहीं प्रोसेसर में भी Redmi Note 4 और Redmi Note 5 विन करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि Xiaomi ने Redmi 5 क्यों बनाया, मुझे ये फोन बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम तीनों कंपेयर करें कैमरा, प्रोसेसर और डिस्प्ले की, तो कहीं ना कहीं Redmi Note 5 काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप सोच रहे हैं Redmi 5 का जो भी 10,000 वाला वेरियंट है 4GB वाला वो लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम उसमें 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला के Redmi Note 5 ले लो या फिर Redmi Note 4 ले लो। तो दोस्तों ये सारे कंपैरिजन करके आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा फोन काफी बेहतर है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे Redmi Note 5 काफी ज्यादा अच्छा लगा इन तीनों फोन के कंपैरिजन में। हालांकि थोड़े से प्राइस ज्यादा है 1,000-2,000 रुपए, लेकिन इतना तो चलता है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से तीनों में से कौन सा फोन बेस्ट है और आपको कौन सा लेना चाहिए, जिससे दूसरों को भी मदद मिल सके। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मन में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक करके और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे यहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।